सबसे पहले हम वर्ड ओपन कर लेंगे, ठीक है? बल्कि 1 सेकेंड रुकना, ओके ये पेपर नजर आ रहा है आपको? जी जी शुमार, सर नजर। अच्छा अब सबसे पहले इसमें देखें, ये आपको सोर्स फाइल प्रोवाइडेड होगी। यू हैव बीन सप्लाइड विद द फॉलोइंग सोर्स फाइल, ठीक है? इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है टास्क वन एविडेंस डॉक्यूमेंट, तो लिखा है ओपन द फाइल F23 evidence.rtf। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे अपने सोर्स फाइल में और यहाँ पे M23 evidence को ओपन कर लेंगे। ये ऑटोमेटिकली वर्ड के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये ओपन हो गया। और फिर लिखा मेक श्योर दैट योर नेम, सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर विल अपीयर ऑन एवरी पेज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, सेव दिस डॉक्यूमेंट इन योर वर्क एरिया एज ए। सबसे पहले हम ये वाला देख लेते हैं तो कैसे परफॉर्म करना है। हम वर्ड पे जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन होता है इंसर्ट, इंसर्ट पे गए, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हेडर एंड फुटर। ये हेडर दिया हुआ है, तो इन्होंने कहाँ बताया हुआ कि मेक श्योर योर, इन्होंने बताया हुआ नहीं कि कहाँ पे, तो हम हेडर पे ही डिफाइन कर देते हैं। हेडर में आपने लेने हैं, ये आपने हेडर में डिफाइन कर देने 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे आप बता दें, ये अपना नाम लिख देंगे। फर्स्ट पहले मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपने 1 2 3 4 सेंटर नंबर और यहाँ पे ये आपने परफॉर्म करना, ठीक है? ये वाला का टास्क हो गया। जी सर। उसके बाद है सेव दिस डॉक्यूमेंट इन योर वर्क एरिया एज M23 एविडेंस। ओके, तो हमने इसको M23 एविडेंस और आज उसके बाद बता रहे हैं कि फॉलोड बाय योर कैंडिडेट नंबर, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट नंबर प्लेस करना। हम डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, इसको सेव एज कराएंगे, ठीक है? फॉलोड, और जो हमारा सोर्स फाइल है ऑलरेडी खुला हुआ है, यहाँ पे आपने M23 बेसिकली इसको डॉक्यूमेंट में करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट में। और यहाँ पे M23 डॉट फर्स्ट करें कैंडिडेट नंबर 999 ये है, तो हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है? ये सेव हो गया। एज पर रिक्वायरमेंट जाइए, यू विल नीड टू प्लेस स्क्रीनशॉट इन दिस डॉक्यूमेंट ऑफ द एविडेंस यू आर इंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस। ओके, अब टास्क टू पे आ गए। यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ रिपोर्ट ऑफ तवारा एजुकेशन अबाउट स्टेम सब्जेक्ट। द कंपनी यूजेस कॉर्पोरेट हाउसिंग स्टाइल फॉर ऑल देयर डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ स्टाइल मस्ट बी क्रिएटेड एंड अप्लाइड एज इंस्ट्रक्टर। ओके, द बॉडी टेक्स्ट स्टाइल हैज ऑलरेडी बीन अप्लाइड टू द होल डॉक्यूमेंट, यू मस्ट नॉट अमेंड दिस स्टाइल। अब कह रहे हैं यूज सुटेबल सॉफ्टवेयर, ओपन द फाइल M23.rtf। इस फाइल को ओपन कर लेंगे, हम वहाँ पे जाएंगे। ये M23 स्टेम ये ओपन है, डिक्लेयर है, इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लें, ठीक है? ये फाइल ओपन होगी। अब क्या रहा है, द पेज सेटअप इज सेट टू A4। आप सबसे पहले आपने देखना है कि ये पेज सेटअप जो है A4 है या नहीं है। लैंडस्केप होना चाहिए, ओरिएंटेशन विद टू क्या होता है, 2 सेंटीमीटर मार्जिन। ओके, इसको देख लेते हैं। अपने अंदर गए, यहाँ पे आप पेज लेआउट पे चले जाएँ और यहाँ पे देखें साइज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका, देखें बाय डिफॉल्ट A4 है, ये आप देख सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट A4 है, ठीक है? फिर उसने कहा हुआ है कि A4 पे चेक लैंडस्केप ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के लिए आप यहाँ पे चेक करें, लैंडस्केप है ऑलरेडी, ठीक है? और उसके बाद कह रहा है 2 सेंटीमीटर मार्जिन, 2 सेंटीमीटर मार्जिन, तो ये हम यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करेंगे।
कस्टम मार्जिन, यहाँ पे क्लिक करें, देखें क्या आ रहा है। अपडेट और टॉप दिया हुआ है 2.01 सेंटीमीटर आ रहा है, बॉटम भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ही सेम ही है। तो फ्रॉम ये लास्ट कस्टम सेटिंग ही हुई भी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ही 2 सेंटीमीटर मार्जिन है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि सेव द डॉक्यूमेंट इन वर्क एरिया विद द फाइल नेम स्टीम न्यू। इस फाइल नेम से हमें सेव करना है। मेक श्योर इट इज सेव्ड इन द फॉर्मेट ऑफ द सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, यानी उसको वर्ड फॉर्मेट में सेव करना है। प्लेस इन एविडेंस डॉक्यूमेंट अ स्क्रीनशॉट टू शो दिस फाइल हैज बीन सेव्ड। मेक श्योर देयर इज एविडेंस ऑफ द दिस फाइल। ओके, तो पहले हम पे जाते हैं डॉक्यूमेंट पे, इसको हमने सेव एज कर देना है। ये ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे आपने इसको वर्ड डॉक्यूमेंट चूज कर लेना है। और कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पे, ठीक है, और हमने इसको सेव कर, ये सेव हो गया। अच्छा, मेक श्योर इट इज सेव्ड इन द फॉर्मेट ऑफ द, ये तो हो गया। अब आपने इसका एविडेंस डॉक्यूमेंट लेना है। हम जाएंगे इस एरिया में, तो ये स्टैम्प डॉट, तो यहाँ पे आप इसका एविडेंस डॉक्यूमेंट ले लें, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, सस्पेंड कर लें, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रिंट स्क्रीन किया मैंने, और उस डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। दिस वन यहाँ पे प्ले पेस्ट कर दें, बहुत बड़ा आ गया। इसको हम यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप क्रॉप कर लें, जहाँ तक क्रॉप 5%। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ फाइल की टाइप भी नज़र आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर, व्यूएबल हो तो ऑलमोस्ट डन। अब आ जाएंगे फर्दर नंबर 2 पे, प्लेस इन द फुटर ऑफ द स्टीम न्यूज डॉक्यूमेंट ऑटोमेटेड पेज नंबर लेफ्ट अलाइन योर नेम सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर राइट अलाइन, ठीक है। ऑटोमेटेड पेज नंबर लेफ्ट अलाइन, एक सेकेंड होल्ड करना। ओके, हम इस कंटिन्यू करते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट पे इसने कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, ऑटोमेटिक पेज नंबर लेफ्ट अलाइन योर, और ये फुटर की बात कर रहे हैं, तो इसको हमने फुटर पे करना है, योर नेम सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट राइट अलाइन। ओके, तो हम डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और इंसर्ट, इंसर्ट पे आपको फुटर, फुटर कहाँ है, ये फुटर है, ठीक है, फुटर क्लिक करें और ये वाला चूज कर लें। यहाँ पे लेफ्ट लाइन पे आपको ऑटोमेटेड पेज नंबर डालना है,
यहाँ पे नंबर ही ऑप्शन होता है, करंट पोजीशन, ठीक है, करंट पोजीशन पे क्लिक कर दें, ये आ गया, इसको डिलीट कर दें। राइट अलाइन आपने वो क्या अपना नाम लिखना है, फर्स्ट में अपना नाम लिख रहा हूँ। ओके, 1 2 3 4 ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब हम इस पे देखेंगे, ये कह रहा है मेक श्योर ऑल द अलाइनमेंट मैच द पेज मार्जिन, नो अदर टेक्स्ट इज विजिबल इन द फुटर एरिया, ठीक है, ये भी नहीं है, द फुटर इज ऑल डिस्प्लेड ऑन ऑल पेज, पे चेक कर लेते हैं, ये फुटर डिस्प्ले हो रहा है ऑल पेज पे हो रहा है। इसका अगर हम प्रिंट प्रीव्यू लें, प्रिंट प्रीव्यू कहाँ है, ये प्रिंट है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये 1 2 और 3 पेज नंबर आ रहे हैं, और राइट साइड पे आपके जो फुटर में जो आपने लिखा है राइट साइड पे, वो आपका नाम, कैरेट नंबर और क्या कहते हैं सेंटर नंबर, ये प्लेस है। तो हम वापस चले जाएंगे, हमने चेक कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद पेज पे जाते हैं, फिर लिखा हुआ है जब आपने ये क्रिएट एंड स्टोर द फॉलोइंग स्टाइल बेसिक ईच ऑन द डिफॉल्ट नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल, तो ये इम्पोर्टेंट है बेसिक ऑन द नॉर्मल पैराग्राफ से। ओके, अब हम इसके डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, ओके, अब सबसे पहले ये स्टाइल दिया हुआ है एस की सब हेड, इसको हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लें, वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, और कोई भी नया स्टाइल अगर आपने डिफाइन करना है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है इस। अच्छा, पहले तो हम अपना कर्सर किसी ब्लैंक एरिया में यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे अप्लाई करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या आपने यहाँ पे क्लिक किया एडिटिंग, और उसके बाद यहाँ क्लिक करें, न्यू स्टाइल आ जाएगा, तो क्लिक करें और यहाँ पेस्ट कर दें एस टी सब हेड, ठीक है, ओके, स्टाइल टाइप इसको आप नॉर्मल, ठीक है, पैराग्राफ ही रहेगा, और स्टाइल बेस्ड ऑन नॉर्मल, इसको बेस, ये बेस। अच्छा, अब हम वन बाय वन देखते हैं, तो लिखा सैंस सेरिफ, अच्छा सैंस सेरिफ, और एक सैरिफ होता है, सैंस सेरिफ के लिए हम ले लेते हैं, नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता सैंस सेरिफ के लिए, टाइम जीरो ले लेते हैं, ठीक है, तो हम जाते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे। ओके, अच्छा ये आपको वर्ड डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है ना, मूवमेंट वगैरह नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे हम टाइम जीरो में ले लेते हैं, तो फॉन्ट साइज 14, ये आपको डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ जी, क्या नाम है, स्माइल, डू यू वॉच, कैन यू सी दैट, यस सर, आई कैन सी दैट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सैंस सेरिफ की जगह हमने ले ली टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट साइज 14 कर दिया, अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट सेंटर, ये ऑप्शन है यहाँ पे, क्लिक कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद है अलाइनमेंट सेंटर है ऑल कैपिटल बोल्ड, ट्रांसपेरेंट ऑल कैपिटल बोल्ड, कि यहाँ पे आप फॉर्मेट पे जाएं, पैराग्राफ पे जाएं, और मिलेगा फॉन्ट, ये ऑल कैप कर दें, और क्या है इसके बाद बोल्ड, इसको आप बोल्ड कर दें, कर दें बोल्ड का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, ये बोल्ड कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ऑल कैपिटल बोल्ड हो गया, सिंगल लाइन स्पेसिंग सिंगल है, ओके, हम जाएंगे, एक सेकंड,
ओके ये बोल्ड हो गया। हाँ लाइन स्पेसिंग के लिए हम जाएंगे, यहाँ पे अपने फॉर्मेट पे गए, पैराग्राफ पे जाएंगे और चले गए फॉर्मेट पे गए, पैराग्राफ ठीक है, लाइन स्पेसिंग आपको नजर आ रहा होगा ये, इसको आप सिंगल कर दें। और उसके बाद कह रहा है कि स्पेस बिफोर 0 है, स्पेस आपको पॉइंट बिफोर 0 कर देना, इसको आपने 9 कर देना ठीक है, और ओके कर देना। ऑलमोस्ट ये सारे टास्क हो गए। तो उसके बाद एस्की टेबल सेरिफ इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल सी और वर्ड पे जाएं, यहाँ पे ये नया पहले इसको ओके कर दें ठीक है। अच्छा उसके बाद ये नया यहाँ से क्रिएट कर लें, हम पेस्ट कर दें, इसको आपने कर देना नॉर्मल ठीक है, कर्सर आपको बाहर ही ठीक है, दोबारा कर लेते हैं, पेस्ट कर दें तो नॉर्मल कर दें। और उसके बाद क्या है की टेबल सारे 11 और ब्लैक, कौन सा है 11 होना चाहिए, ये 11 यहाँ से पेस्ट कर लें, और इसको लेफ्ट ऑलरेडी लेफ्ट है, सेंटर है लेफ्ट है ठीक है, ये राइट है ठीक। अच्छा उसके बाद लेफ्ट भी है अटैलिक, तो अटैलिक कर दें। और इसके बाद है सिंगल और जीरो, लाइन स्पेसिंग जीरो, तो यहाँ पे भी होता है, तो यहाँ से देखें पैराग्राफ पे जाएं, लाइन स्पेसिंग सिंगल कर दें और ये दोनों जीरो कर दें। ओके ऑलमोस्ट डन, तो टेबल भी हो गया। अच्छा उसके बाद एस की बुलेट है, ठीक कॉपी कर लिया हमने और फिर वर्ड पे चले गए, यहाँ से आप क्रिएट कर लें, आप पेस्ट कर दें तो नॉर्मल कर दें ठीक है। तो फर्दर देख लेते हैं और शायद वहां पे हमने पीछे एक चीज रह गई थी, इसको सैरिफ का मतलब होता ही है, अगर सैरिफ दिया होगा तो हमने क्या करना है एरियल ठीक है, सैन सैरिफ के लिए टाइम जीरो रोमन, और उसके लिए हम वहाँ पे चेंजेस ठीक भी है कर सर। ठीक सकते हैं क्योंकि ये फॉन्ट साइज अवेलेबल नहीं होते, तो हम जाएंगे वापस। अच्छा यहाँ पे हमने ये तो अच्छा वहाँ बाय डिफॉल्ट एरियल ये ठीक है, ओके 11 कर दें, इसको भी मैंने कहा 11 कर दें तो भी 11 कर दिया। और उसके बाद लेफ्ट पे है स्क्वायर, स्क्वायर शेप बुलेट अलाइन टू द लेफ्ट मार्जिन, तो इसको हम देखते हैं ठीक हम लोग वर्ड पे जाएंगे ठीक है, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे नंबरिंग आ रहा है, बुलेट्स ये डिफाइन कर दो, तो ये हो गया, तो ये रहती रहेगी। दोबारा देखता हूँ, अगर आपने एडिट करना राइट क्लिक करें, यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन होता है ठीक है, और क्या रह गया ये सिंगल होना चाहिए बाकी जीरो होना चाहिए, तो ये हमें चेक करने की जरूरत है। पैराग्राफ पे जाएं, सिंगल कर दें, ऑलमोस्ट ऑल डन, यहाँ तक तो हो गया। कैन आई टेक अ स्क्रीनशॉट टू शो दैट यू हैव डिफाइंड द सेटिंग फॉर द एसटी सब हेड? ओके टेक अ स्क्रीन शॉट टू शो दैट यू हैव डिफाइंड द सेटिंग फॉर द एस टी सब हेड, एस टी सब हेड की हमने स्क्रीन शॉट लेना है। ओके तो उसकी सेटिंग हम शो करते हैं,
एसटी सब हेड ये दिया हुआ है, और मॉडिफाई करें और फॉर्मेट ये आपने इसका स्क्रीनशॉट है, ठीक है, जो भी आपने सेटिंग की है ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके करते हैं, ओके करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे चले जाएं, एविडेंस डॉक्यूमेंट 2 है मेरे पास, ये एविडेंस डॉक्यूमेंट ठीक है 2 है ना, यहाँ प्लेस कर देंगे, आपको क्रॉप कर दें, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वापस जाए टेबल पे, डिस्प्ले द स्टाइल नेम क्रिएटेड इन स्टेप 3 एज ए लिस्ट इन द स्टाइल मैनेज और ऑर्गेनाइजर। स्टेप 3 में हमने क्या किया, डिस्प्ले द स्टाइल नेम क्रिएटेड इन स्टेप 3 एज ए लिस्ट इन द स्टाइल मैनेज, ओके ठीक है। तो जितने भी, अच्छा ये कह रहे हैं कि आपने, हम जाएंगे वोडाफोन में, ये जो लिस्ट आ रही है स्टाइल एज ए लिस्ट, इसका स्क्रीनशॉट भी शो करना है। डिस्प्ले द स्टाइल नेम क्रिएटिंग स्टेप 3 एज ए लिस्ट स्टाइल मैनेजर ऑर्गेनाइजर, टेक स्क्रीनशॉट एविडेंस शो दैट यू हैव क्रिएटेड नेम एंड सेव दी स्टाइल प्लेस इन योर एविडेंस करना। हम क्या करेंगे बेसिकली इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे, ठीक है, स्टाइल मैनेजर का यहाँ रख लेते हैं, ये ले लिया आपने, इधर गए और यहाँ पे एविडेंस टीम रख दिया, और सिर्फ उसका हमें शो करना है स्टाइल मैनेजर का, तो श्रिंक कर देंगे दैट। सारे स्टाइल आ गए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये तो द स्टाइल एसटी टाइटल हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड एंड स्टोर्ड, मॉडिफाई द एसटी टाइटल स्टाइल सो ओनली द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग इज अप्लाइड। तो इसको हमें एडिट करना है, हम जाएंगे वर्ड पे और एसटी टाइटल ये रहा, ठीक है, इसको राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। अब हमने इसके वन बाय वन सैन सेरिफ यानी फॉन्ट स्टाइल जो है टाइम्स न्यू रोमन ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद है फॉन्ट साइज 36 करना है, यहाँ से फॉन्ट साइज को हमने 36 कर दिया, अच्छा। उसके बाद है अलाइनमेंट सेंटर करने, अलाइनमेंट सेंटर करनी है, सेंटर कर दिया। उसके बाद बोल्ड अंडरलाइन, बोल्ड भी करना है अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। उसके बाद सिंगल और जीरो फॉर्मेट पे जाएं, पैराग्राफ पे क्लिक करें, सिंगल ऑलरेडी है इसको भी, स्पेसिंग बिफोर जीरो है, स्पेसिंग आफ्टर भी जीरो होना चाहिए, इसको भी कर दें और इसको भी कर दें। उसके बाद कर अप्लाई दिस स्टाइल टू द टाइटल टेक्स्ट, तब आ रहा है टू स्टेप डेवलपमेंट, तो ये वाला जो है टाइटल अप्लाई कर देते हैं, पर जाते हैं हमारा स्कूल टाइटल फाइल, इस पर सेलेक्ट करेंगे और इस पर, ठीक है, ये अप्लाई हो गया। में एक चीज रह गई है, थोड़ा देखते हैं क्या करते हैं, कि हमने यहाँ पे पैराग्राफ फॉन्ट ऑल कैप्स पर डाल, क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है, ओके कर देंगे, ठीक है, नॉट इज बेटर। जब आपको ये दिया हो
सी टाइटल कौन सा दिया, सेंस है कुछ तो एरियल कर, तो मैं मॉडिफाई करूंगा, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं एरियल, ये अप्लाई हो गया, ठीक है। ये तो अप्लाई हो गया। अब वो कह रहे हैं कि प्लेस इन एविडेंस डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट ऑफ द स्टाइल सेटिंग फॉर द एसटी टाइटल, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो एसटी टाइटल मॉडिफाई, ठीक है, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट और इसको हमने यहाँ प्लेस कर देना है। यहाँ पे गए वो आप कर दें क्रॉप, के बाद ये हो गया। बिलो द टाइटल एड अ सब टाइटल इन इनोवेशन इन साइंस एजुकेशन, तो कॉपी कर ले। वो सी कॉपी कर लें आप। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बिलो द टाइटल एड सब टाइटल, आप कह रहे हैं इसको पेस्ट कर लें। आ गया द स्टाइल एस टी सब टाइटल हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड एंड स्टोर्ड, अप्लाई द स्टाइल टू द टेक्स्ट इंटर सब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे सेलेक्ट कर लें, अप्लाई करना है, ठीक है, और यहाँ शो कर लें एस टी सब टाइटल, तो ये अप्लाई हो गया, ठीक है। द स्टाइल ये हो गया, अप्लाई द एस टी बुलेट स्टाइल टू द टेक्स्ट प्रॉम्प्ट वर्किंग इन टीम, कॉपी कर लेते हैं तो सर्च कर लेते हैं और यहाँ बुलेट स्टाइल पेस्ट कर पॉइंट आपको पेस्ट करें। ये आ गया, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लें, गए की बुलेट अप्लाई हो गया। फिर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेवन सब हेडिंग इन द डॉक्यूमेंट एंड अप्लाई द एस टी सब हेड, तो एक सेकेंड हमने ये हेडिंग फाइंड करनी है सब हेडिंग, और एक सेकेंड देखते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल ये है और इस पे सब हेडिंग ये अप्लाई हो गया, फिर आई थिंक ये है सब हेड, आई थिंक ये है, ये है,
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज द पेज लेआउट सो यस दैट, सर, क्लियर। चेंज द पेज लेआउट सो दैट सब हेडिंग वाई इज अ स्टेम अप्रोच टू लर्निंग इंपॉर्टेंट एंड ऑल फॉलोइंग टेस्ट डिस्प्ले इन टू कॉलम ऑफ इक्वल वेट विद ए 1 सेंटीमीटर स्पेस। ओके वाई इज द स्टेम, यहाँ से हमें देखना है कि ये कहाँ पे है। इसको टू कॉलम में कन्वर्ट करना है, कहाँ पे पॉइंट यहाँ से टू कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। चेंज द पेज लेआउट सो दैट सब हेडिंग वन टू लर्निंग इंपॉर्टेंट, लर्निंग इंपॉर्टेंट, लर्निंग इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ से हमें करना। यहाँ से हम क्लोज कर दें, यहाँ से हमने कॉपी कर लेना है, तो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने जाना है डिजाइन इंसर्ट पेज लेआउट पर। यहाँ पे कॉलम्स ये टू कॉलम चूज कर लेना आपने कस्टम, और यहाँ पे इसको लाइन ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है सब हो गया। ये आपने करना है कस्टम से, ठीक है यहाँ पे कस्टम जाएंगे, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम बताएंगे और स्पेस बिटवीन कॉलम जो है ना 1 सेंटीमीटर। अच्छा ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि लोकेट द टेबल एंड इंसर्ट अ न्यू रो अबव केमिस्ट्री, इस टेबल को लोकेट करना है और इसको सेट करना है। वर्ड पे गए लोकेट द टेबल, ये टेबल आपको मिल गया, तो क्या करना है इंटर द फॉलोइंग डेटा लोकेट द टेबल इंसर्ट न्यू रो अबव केमिस्ट्री, अबव केमिस्ट्री ये है केमिस्ट्री, यहाँ पे कर्सर रखें इसके ऊपर रो आने की राइट क्लिक करें और इंसर्ट, ये रो अबव आ गया ठीक है। और ये डेटा एंटर करना है बायोलॉजी 50 40, कॉपी कर लें ठीक कर दिया अपने। अब कह रहा है मर्ज द सेल एंड सेंटर अलाइन द टेक्स्ट इन द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल, ठीक है इनको इस फर्स्ट रो ये है इसको सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें, मर्ज का ऑप्शन आएगा, ये मर्ज आ गया ठीक है। मेक श्योर दैट नो डेटा इज रैप्ड विद इन द टेबल, ओके ऑल ग्रिड लाइन आर डिस्प्लेड व्हेन प्रिंटेड, ऑल बार बॉर्डर एंड डेटा फिट विद इन द कॉलम विड्थ, देयर इज अ 6 पॉइंट स्पेस आफ्टर द टेबल, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सारा ही डेटा नजर आ रहा है ठीक है। इसको सेंटर कर देते हैं हेडिंग को, तो बेटर लुक नजर आएगा पैनल पे ठीक है, आपके लिए कुछ दिया होगा ये ठीक है। करना इसमें अप्लाई करना है, अप्लाई द एसी टेबल स्टाइल टू रो 2 9, ठीक है तो ये भी काम रह गया, ये रो 2 है। अब यहाँ से आपने एस टी टेबल कहाँ है ठीक है, ये अप्लाई हो गया।
ओके, ये ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मर्द, ये भी हो गया, सारा हो गया। इम्पोर्ट द इमेज m23 scientist.jpg एंड प्लेस इट इन द पैराग्राफ बिगिनिंग विल द जेंडर, विल जहाँ पे उसके बिगिनिंग हमें प्लेस करनी है। विल कहाँ पर है, सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्लेस कर, ठीक है। आप जाएंगे इंसर्ट पे, पिक्चर, और ये है डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे ये फाइल यहाँ पे नहीं है, तो आप लेकर आता हूँ। जाएंगे वर्ड पे, कर्सर वाला यहीं क्लिक कर रहे हैं, सर्ट पिक्चर, या अगेन m23 साइंटिस्ट को डबल क्लिक करेंगे, सर्ट यहाँ पे आ गई। अब इसको हमने एडजस्ट करना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, उस पर जाएंगे, ये क्या लिखा, इट इज फॉर्मेट द इमेज सो दैट इट इज रीसाइज टू अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर विद द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 20, यानी 2। पहले तो हमें ये करना, ठीक है। पिक्चर हमने सेलेक्ट कर लेनी, फॉर्मेट रिफ्लेक्ट डैमेज सो दैट, ओके पहले ये नंबर 15 पे लिखा हुआ है, रिफ्लेक्ट डैमेज सो दैट लेबोरेटरी फ्लॉस इज ऑन द राइट, ठीक है। इसको देखो, हम जाएंगे वर्ड पे, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे फॉर्म पिक्चर, और इसमें ये 3D रोटेशन पे जाएंगे, और यहाँ 180 लिखे, कि वो कह रहा है कि ये राइट साइड पे आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ लिखा हुआ है रिफ्लेक्ट दैमेज सो दैट द लेबोरेटरी फ्लॉस इज ऑन द राइट साइड, ठीक है, ये करना है। इसके बाद हमने इसको रिसाइज करना है, वर्ड पे जाएंगे, और यहाँ पे ये साइज दिया हुआ है, इसको हमने तो साइज भी हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ये इट इज अलाइन टू द लेफ्ट कॉलम मार्जिन एंड टॉप ऑफ द पैराग्राफ स्टार्टिंग विद द जेंडर, इसका तो हमने इसको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन नजर आते हैं, इस पे क्लिक कर दें, तो उठा के ऊपर ले जाए, विल कहाँ जाना है, टेक्नोलॉजी के नीचे होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ये डन है, के बाद ये फर्दर देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्पेल चेक एंड प्रूफ रीड द डॉक्यूमेंट, मेक श्योर द टेबल एंड लिस्ट आर नॉट स्प्लिट ओवर टू कॉलम ऑन पेज, ठीक है। कॉलम अलाइन
at the top, there are no view window or orphan. There are no blank pages. Styles are applied consistently. Spacing is consistent. सब कुछ चेक करना है. बट पे जाके देखते हैं, पहले स्पेलिंग चेक का वो कर लेते हैं. तो ऑलमोस्ट डन है. आपने रिव्यू पे जाना है. यहाँ पे स्पेलिंग चेक है. ठीक है, कह रहा है कि इसको इग्नोर कर दें. इग्नोर कैपिटलाइजेशन, इग्नोर और स्पेलिंग मिस्टेक ऑलमोस्ट नहीं है. सब कुछ स्पेस वगैरह सब सेट है. पेजेस में नजर भी आ रहा है. टू पेजेस, तो ये पूरा ट्रांसपोर्ट रेडियो. जी क्या नाम है? शायद शुमाइल. इस क्लियर? कोई परेशानी? यस नो सर क्लियर। इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपने वीडियो से देख कर लेना है. लेकिन आपने मुझे इसका वो भेजना है बना के. आप मुझे क्या कब चीज़ तक, सर? मतलब ये पूरा डॉक्यूमेंट बना के भेजना है? मैं आपको अभी अपलोड कर दूंगा उसकी फाइलें. ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, मार्च 23, ये आप मुझे कब बना के भेजेंगे? सर अभी तो मेरे पेपर्स चल रहे हैं। स्कूल में तो जाओगे ना? अभी देखो ना, मुझे कैसे पता लगेगा कि जी आपको, सर, कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये आप मुझे बना के भेजेंगे तो पता लगेगा ना. जी सर, स्कूल तो जा रहे हो ना? स्कूल लेकिन पर देकर आ जाता हूँ, मतलब और फ्री टाइम नहीं होता। पेपर चल रहे हैं. पेपर कब तक चल रहे हैं? जी नेक्स्ट नहीं, पेपर कब तक चल रहे हैं? वीक, नेक्स्ट वीक तक. नेक्स्ट वीक सर। नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहे हैं या अभी, मतलब नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएंगे? नेक्स्ट वीक खत्म हो रहे हैं, शुरू तो इस वीक के में। अच्छा, तो आईसीटी में वहां क्या चल रहा है? कौन से चैप्टर पे हो स्कूल में? इस दफा पेपर के अंदर डेटाबेस आ रहा है अच्छा, और एमएस वर्ड आ रहा है, एमएस और एक वो सेकंड प्रैक्टिकल यानी पेपर टू आ रहा है ना, जी सर, यानी थ्योरी और एक सेकंड में. थ्योरी सर, थ्योरी नहीं आ रही अभी। नहीं आ रही? तो डेटाबेस की भी मैंने प्रैक्टिस करवाई हुई, याद है ना? दो प्रैक्टिकल किए थे हमने, जी सर, एक मार्च 23 का था, और एक हमने स्पेसिमेन पेपर किया था. और जी सर, और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और था पावर पॉइंट भी आ रहा है. वो कब आ रहा है? सर, सिलेबस है नहीं, आ कब रहा है पेपर? कब? नेक्स्ट थर्सडे। ठीक है. तो और तुम्हारे और सब्जेक्ट कौन से? फिजिक्स, सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईसीटी ठीक है. ये वर्ड अच्छा. अब ये तो तुम्हारा जा रहा है, इसकी प्रैक्टिस कर लो. डेटाबेस की इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा. ठीक सर। है, आप मुझे वो वीडियो जो है वो लाइक फिर डेटाबेस. से भेज सकते हैं, वर्ड की और डेटाबेस की। हाँ, वो मैं आपको फिर से भेज देता हूँ, और मैं इनकी सोर्स फाइल भी आपको भेज दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस भी करें. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. ठीक है, वो मैं भेज देता हूँ. ठीक है, ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ सर।